मुहावरे के बाद आप सभी का स्वागत है। हृदयेश्वर वाकई वो बच्चा है जिसके हृदय में ईश्वर है। हृदयेश्वर के जज्बे को आज दुनिया सलाम कर रही है। सोच की ताकत से जंग जीतने की जिद में लगा है हृदयेश्वर। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की मैनेजमेंट बुक्स में भी हृदयेश्वर पढ़ाया जा रहा है। के वेरिएंट्स को 100 तक ले जाने में कामयाब रहे हृदयेश्वर ने भारत को इस विधा में जापान से ऊपर ला दिया है और हमारे ही देश में जन्मी शतरंज को एक नया आयाम देकर हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। हृदयेश्वर की झोली में अवार्ड्स की भरमार है। कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुका हृदयेश्वर कभी मायूसी को अपने नजदीक तक नहीं फटकने देता। उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर को चलाने में असमर्थ होने लगा तो माता पिता हर वक्त सहारा बनते। ये सब भी हृदयेश को गवारा नहीं था कि उसके माता पिता उसको लेकर ज्यादा परेशान हो। लिहाजा हृदयेश्वर ने वो किया जो दिव्यांगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अपनी व्हील चेयर को सुविधानुसार तैयार किया और उसमें बकायदा रिमोट भी फिट कर दिया, यानी अब वो खुद व्हील चेयर को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। हमारे देश में शतरंज का आविष्कार हुआ था। इसने शतरंज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सर्कुलर शतरंज का आविष्कार किया। इतना ही नहीं उसके बाद ही बिकेम यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड है ये इस समय, और यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत का स्वाभिमान और गौरव बढ़ाने में इसकी दो मुख्य भूमिकाएं हैं। एक, इस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेटेंट होल्डर और यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होल्डर भारत से है, और दूसरा, इसने भारत को जहाँ तक चेस के वेरिएशंस और इनोवेशंस का सवाल है, सबसे पहले जापान का एकाधिकार था, अब इसने इसको इन्वेंट करके 100 वेरिएंट्स लाकर भारत को जापान के ऊपर पहुंचा दिया है। इस तरह से इसने भारत का सम्मान बढ़ाया और हमारी शतरंज की विरासत को भी आगे लेकर गया। ये इस तरह से इसने भारत का सम्मान बढ़ाया। इस सुपर किट के कारनामों की दास्तान यही नहीं खत्म होती। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की विदाई समारोह में जब उनकी मां को लाया गया तो गाड़ी से उठाकर समारोह में लाया गया। इस घटना ने हृदयेश्वर के दिल में खलल पैदा कर दी। बस फिर क्या था, उसने एक ऐसे मोबिलिटी सॉल्यूशन को जन्म दिया जो वर्ल्ड का सबसे सस्ता मोबाइल पावर व्हील रैंप है जिसे गाड़ी में आसानी से लगाया जा सकता है। इन्होंने अपनी दो गाड़ियों में इस रैंप को लगाया और वो सचिन तेंदुलकर को भी गिफ्ट करना चाहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज किसी भी जगह पर एक बच्चे के लिए पावर्ड व्हील चेयर बहुत मिलती है, पर वो कस्टमाइज नहीं है, बच्चे की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। वो इसने अपनी पूरी चेयर डिजाइन की ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद वो गाड़ी जिसके अंदर जा सके, रैंप डिजाइनिंग वगैरह सारा करके हमें बताया। उनकी मदर को उठा के निकाला था उन्होंने गाड़ी से, तो मुझे तब आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा व्हीकल बनाऊं। और मेरे पापा भी मुझे रोज उठाते थे और गाड़ी में बिठाते थे, तो मुझे ये आइडिया आया। रियल हीरो डिसेबल आइकॉन ऑफ इंडिया जैसे 3 नेशनल खिताब हृदयेश्वर की झोली में है। महज 9 साल की उम्र और दुनिया को हौसलों की उड़ान से रूबरू करवाता उसका जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। हृदयेश्वर के इन तमाम कामों में उनकी माँ उसका साया बनकर रहती है। बच्चा भले ही नियति की विडंबना के चलते विकलांग हो गया हो, लेकिन ममता है कि आज भी अपने लाडले पर प्यार की छाया किए है और लाडला दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। नेशनल अवार्ड्स इनको 3 मिले हैं। सबसे पहला नेशनल अवार्ड केविन केयर एबिलिटी नेशनल अवार्ड था, उसमें उनको रियल हीरो अवार्ड मिला था। फिर उनको मुंबई में धोनी साहब जो रियल हीरो हैं एक तरह से, उन्होंने भी इनको अवार्ड दिया। वो डिसेबल्ड आइकन ऑफ इंडिया ऑफ प्रेजेंट टाइम था, वो अवार्ड मिला इनको। और तीसरा अवार्ड जो इनको मिला था वो ऑल इंडिया डिसेबल्ड सोसाइटी ने इनको अवार्ड दिया कि ये हमारा इंडिया का इंस्पिरेशन है। स्टीफन हॉकिंग्स को मानता है क्योंकि वो भी इसी की तरह व्हीलचेयर पे है, और ये काफ़ी प्रोग्राम्स पहले डिस्कवरी पे और इन पे स्टीफन हॉकिंग्स पे के प्रोग्राम्स आते थे, तब उसने देखा कि भाई कैसे व्हीलचेयर पे रहते हुए उन्होंने, वो तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपनी आइडिया से उन्होंने पूरे जगत को हिला दिया। तो तब से इसके मन में था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मैं एक प्रेरणा बनूँ लोगों के लिए। तो
ये स्टीफन हॉकिंग्स को अपना प्रेरणा माना। हृदेश्वर जितनी अच्छी हिंदी बोलता है उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी। अंग्रेजी में बोलते हुए वो लोगों की हौसला अफजाई करता है। The only disability is low self-esteem. People who cannot walk can fly with their attitude. दुनिया में जिंदगी के कई रंग हैं, लेकिन हृदेश्वर की जिंदगी का इंद्रधनुष थोड़ा जुदा है, जिसके रंगों की विविधता एक साथ हृदेश्वर के चेहरे पर मुस्कान बनकर तैरती है, कभी खुद के लिए और कभी हिंदुस्तान के लिए। सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ, सबसे बड़ी ये जंग है तो मैं भी तैयार हूँ। हृदेश्वर आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है और माता पिता को ये आभास भी करवा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे का हौसला बनी रहे तो दुनिया में टूटने की जगह नहीं है। रुके ना तू, झुके ना तू, ये कविता कभी हमने पढ़ी थी, लेकिन आज इस कविता को सार्थक होते हुए देखा जब ये स्टोरी करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। अदम्य साहस, प्रेरणा, प्रतिभा और अद्भुत व्यक्तित्व, इन सब का अगर कोई विकल्प है, अगर इन सब का कोई पर्यायवाची है, तो उसका नाम मेरे हिसाब से शायद हृदेश्वर ही होगा। कैमरामैन मान सिंह और हृदेश्वर के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अमर पुष्पेंद्र, टीवी न्यूज, जयपुर। तो खास